अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 2.7। 2.7 से कितना लेफ्ट में है, 0.5। तो नीचे आते हैं तो 2.8 को क्रॉस कर रहा है और ये हुआ 0.5। तो यहाँ पे 2.7.5 मार्क किया, ये नीचे यहाँ पे आ रहा है और नीचे वाला जो 2.9 है वो भी 0.5। फिर आते हैं 2.10 पे, तो वो 2.10 यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा है, 4.11 भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है और ये यहाँ नेल्स वाले पोर्शन में आके मिल रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। राइट हैंड साइड वाला देखते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो पॉइंट कौन सा हुआ, 6.11। 6.11 से 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट और 0.4 सेंटीमीटर ऊपर, तो 6.11 ये रहा, 0.5 ये, 0.4 ये ऊपर गए, तो ये भी ऐसे आया, 0.4 ये और 0.4 यहाँ। 7.9 पे कितना राइट में है इसके, 0.7, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर राइट में आता है, तो यहाँ मार्क किया। ऊपर आते हैं, ये पॉइंट कौन सा हुआ, 7.8, ये हुआ 1.1 सेंटीमीटर, ये 1.1 सेंटीमीटर मार्क किया मैंने। ऊपर है 7.7 पे, ये है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया। ये सब तो सिंपल सी मार्किंग्स है, ठीक है, इतना अपन को आता है निकालना। अब ये जरूरी चीज है कि इन मार्किंग्स को जोड़े कैसे, जैसे ये है, अब अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इधर जोड़ो, ये चिन्ह पे ले आओ, नहीं, यहां से देखो हल्के से कर्व में आ रहा है, ये हल्के से कर्व में आ और फिर इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, ये अंदर की तरफ है थोड़ा, ये वाला पोर्शन थोड़ा अंदर की तरफ है, तो इसे अंदर ही रखो और ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो एक कर्व के साथ आएगा ये अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ये बाहर। अब देखो यहाँ पे टर्न मार रहा है, जो जॉ लाइन रहती है वो ये है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जॉ लाइन यहाँ पे ये हल्के से कर्व के साथ जाएगा, कर्व होते होते यहाँ ज्वाइन हुआ। सेम चीज नीचे वाले में, नेल्स से जो निकल रहा है ये हल्का सा कर्व रहेगा, ये भी देखो ये पोर्शन ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो ये तो बाहर हो गया, अभी जो अंदर की तरफ है हल्का सा अंदर आया और ये यहाँ ज्वाइन होता है, ठीक है, और ये जा रहा नेक का कर्व, तो ये नेक का कर्व यहाँ गया, ठीक। इस तरीके से अपना वो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। सेम तरीके से राइट हैंड साइड करना है, तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से भी कर सकते हो, योर चॉइस, ऊपर से करते हैं। तो ये वाला पोर्शन देखो, कर्व जो आ रहा है ये बाहर की तरफ है, यहाँ पे बाल भी आ रहे हैं थोड़े, वो बाद में बनाएंगे, लेकिन अब देखो क्यूब के सेंटर में ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ आता, फिर से एक और कर्व आ रहा है, तो ये अंदर ही अंदर आया, हल्का सा अंदर आया, अब ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं बना देना कि एकदम क्लाउड बना रहे हो, नहीं, हल्का सा अंदर आया, फिर यहां से दोबारा कर्व होते होते, ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है यहां से ये थोड़ा आगे तक आएगी ऐसे, फिर कर्व होके ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, ये वाला कर्व बहुत ज्यादा बाहर मत निकालना, क्लाउड शेप। यहां नेल्स वाले पोर्शन से जो कर्व जा रहा है ये ऊपर गया हल्का सा, देखो ये वाले पोर्शन में थोड़ा अंदर की तरफ है, ये जो पॉइंट है ना जो मैंने बनाया उसमें हल्का सा अंदर, तो हल्का सा अंदर बनाया मैंने और कर्व किया, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हल्के से कर्व के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आउटलाइन बना ली, तो जो थोड़ी लाइन इधर उधर भाग रही है, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पोर्शन में, इन्हें इरेज करो, ठीक है, इसे थोड़ा पॉइंटेड सा करना, इधर जा रहा ना ऊपर की तरफ, अपन को पॉइंटेड दिख रहा है, ये जा रहा ऊपर की तरफ, सेम यहां से नेक का कर्व जा रहा है, तो हल्का सा नेक का कर्व बना दिया। इस तरीके से जो चेहरे की आउटलाइन होती है वो बन गई हम लोग। तो ये जो अपना वी शेप रहता है, ठीक है, बहुत जरूरी रहता है कि बहुत ज्यादा वाइड ना हो जाए, तो वी शेप के जो तीनों पॉइंट है, एक, दो, तीन, ये दोनों पॉइंट और ये सेंटर वाला, इसके पॉइंट लेना है। तो ये नीचे वाली लाइन, लाइन नंबर 9 से कितना ऊपर है, फिर लेफ्ट वाला है 0.4 सेंटीमीटर ऊपर, मिडिल वाला है 0.2 और ये है 0.35, ऐसी 0.4,
ठीक है, 0.4, 0.2, 0.35, इस तरीके से। फिर इस लाइन, ये जो लाइन नंबर 4 है, इससे कितने राइट में, तो लेफ्ट वाला है 0.8 सेंटीमीटर, नीचे वाला है 1 सेंटीमीटर और सबसे राइट वाला है 1.5। ठीक है, तो मैं यहां यहां मार्क करूंगा, एक यहां पे, यहां पे, एक यहां पे। अब ठीक है, मैंने मार्क किया इससे ऊपर। अब लाइन नंबर 4 से कितना राइट में था, तो पहला वाला था 0.8, तो 0.8 पे मार्क करूंगा यहां। दूसरा वाला था 1 सेंटीमीटर, तो उसे मार्क किया मैंने यहां। तीसरा वाला था 1.5, तो यहां। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए, तो मुझे जो वी शेप चाहिए था वो ये मिल गया। अब यहां से मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो ये पॉइंट है 4.9, इससे कितना ऊपर और कितना लेफ्ट में कट कर रहा है वो देखना है मुझे। तो 0.2 पे कट कर रहा है, तो मैंने मार्क किया यहाँ पे इस तरीके से 0.2, ये 0.3। फिर नीचे आते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट आता है, ये वाला, ये इस लाइन से कितना नीचे और इस लाइन से कितना लेफ्ट है वो निकालना है मुझे। इस लाइन से कितना नीचे है 0.5 और इस लाइन से कितना लेफ्ट है 0.7, तो इस लाइन से 0.5 सेंटीमीटर मार्क किया और इस लाइन से 0.7 जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा एंडिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, इस तरीके से एक कर्व करते करते यहां ज्वाइन हो गया। फिर आते हैं इस साइड पे, तो यहां पे कितना ऊपर है, यहां पे 0.2 सेंटीमीटर ऊपर है 0.3, और कितना राइट में है 0.5, तो मैं मार्क करूंगा 0.3, यहां पे मार्क करूंगा मैं 0.5। फिर ये नीचे आया, कितना नीचे है इस लाइन से ये, तो वो मैं मार्क करूंगा, वो है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितना लेफ्ट है इस लाइन से, वो आता है मेरा 0.7, तो 0.6 सेंटीमीटर नीचे मार्क किया मैंने, यहां पे आएगा 0.7 सेंटीमीटर, कितना होगा मेरे लिए 0.7 हो जाएगा इतना। हाँ, या तो मेरा जो कर्व आ रहा है वो इधर पे आ रहा है, इसे क्रॉस करता है, इसे क्रॉस करता है, कर्व रखना और इसे जॉइन यहां करना, ऊपर वाला कर्व मेरा बन गया। ठीक है, अब जो नीचे वाला है वो भी वी शेप ही है। अब ये देखो, वो वी शेप इस अपर लाइन से कितना नीचे है, तो जो सेंटर वाला है वो है 0.7 सेंटीमीटर नीचे, जस्ट इसके नीचे ही आएगा, तो 0.7 मार्क किया। हल्का सा वी शेप बनाना है कर्व करते हुए, ऐसे जैसे ऊपर बनाया ना, सेम उसी की कॉपी करते हुए। अब अपन को रिट्रेस करना है, इस लाइन से इस पॉइंट से कितना नीचे है, इस पॉइंट से है 0.8 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से है 0.6 सेंटीमीटर, तो यहां मार्क किया मैंने और यहां मार्क किया मैंने। ठीक है, इधर पे तो सिंपल सा है, यहां बस कर्व करना है इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए, यहां कर्व करना है इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए। ठीक है, यहां थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल और फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे कर्व हो गया, यहां कर्व होते होते थोड़ा आगे आया और यहां ऐसे ज्वाइन हो गया, तो ये अपर लिप अपना बन जाता है। लोअर लिप का क्या है, लोअर लिप यहाँ पे फ्लैट है, यहां से क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है कितने, तो वो भी निकाल लेंगे 0.4 सेंटीमीटर, यहाँ 0.4 आया, यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ये यहाँ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट्स मिल गए, यहाँ हल्का सा फ्लैट है, धीरे धीरे से ऊपर की तरफ कर्व किया ऐसे, यहाँ पे भी धीरे धीरे कर्व किया और नीचे लाते लाते ऐसे ज्वाइन कर दिया। लेकिन अभी ये चीज यहाँ खत्म नहीं होती, एक चीज ध्यान रखना, अपन को हल्के हल्के से जो इफेक्ट रहती है यहाँ पे ऐसे ऐसे कर्व बनाने हैं। ठीक है, तो वो जो इफेक्ट आ रहा है ना पाउट करने का, वो हल्का हल्का अपन को देना है, ये डिटेलिंग के समय काम आता है, अभी ड्रॉ करते समय ड्रॉ बना लो। अपर लिप में भी है इस तरीके से, एक कर्व उसके साथ दूसरा कर्व, एक कर्व उसके साथ दूसरा कर्व, ठीक है, ज्वाइन होते हुए टिप से, यहाँ पे बीच में स्ट्रेट, यहाँ पे एक और कर्व, यहाँ पे एक कर्व, यहाँ पे एक कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लिप्स जो है
वो बन जाते हैं। नोज का ड्रॉ करना है अपन को, तो नोज कहां से आ रही है, पॉइंट नंबर 4.8, 4.8 से यहां से कर्व हो रहा है, कितना नीचे कट कर रहा है उसको वो मार्क करो, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना लेफ्ट है उसके, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि अपन कर्व करते करते कितना भी लंबा ले जाओ, एक हिसाब होता है कि कितना कर्व कर रहा है इतना, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो एक बेस टाइप बनता है नोज का, तो वो इस लाइन से कितना नीचे है, 1 सेंटीमीटर, इस लाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे, हल्का से ऐसे मार्क कर लो, ये नोज का जो बेस आ रहा है वो बना, यहां से किया तो अपन ने मार्क कर लिए। सेम चीज राइट पे करना है कि कितना है राइट में, तो ये आता है 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 मार्क किया, कितना नीचे कट कर रहा है इसको वो मार्क करेंगे तो वो आता है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब ये देखो मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो वो देखें कितना राइट जा रहा है, तो मैक्सिमम जा रहा है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर जा रहा है, तो इस तरीके से मैंने मार्क किया। मैं कर्व लेके आऊंगा यहां से, ठीक है, ऐसे धीरे से यहां पे टच करा, अब इससे अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो गया। सेम चीज यहाँ, यहां से कर्व आ रही है नीचे की तरफ, सी शेप नहीं बनाएंगे, मैंने पहले बोला, यहां से देखो ऐसे ऊपर की तरफ हल्का सा फ्लैट जा रहा है, यहां पे कर्व हुआ और फिर ये ऊपर में ज्वाइन हुआ, ठीक है। और जैसे ये जो वी शेप है इसके ऊपर देखो अपना एक कर्व वाला पोर्शन है, अपन ने बेस बना ही रखा हल्का सा नीचे, तो इस लाइन को जो है वो कितने पे कट कर रहा है, 0.7, तो यहां से मैंने मार्क किया 0.7, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। अब इस लाइन से कितना लेफ्ट है ये वो भी देखेंगे, तो वो आता है 0.3, ठीक है, तो अब कितना नीचे है, बहुत कम ही नीचे है, ऐसे नहीं कि बहुत एकदम नीचे लटक सा रहा है, हल्का सा कर्व होते होते ऐसे आएगा, हल्का सा नीचे होते हुए, ठीक है, बहुत लाइटली ड्रॉ करना। अब यहां पे जो कर्व आ रहा है ये टच कर रहा है इस पॉइंट, इस लाइन के आसपास थोड़ा, कितना नीचे है इस पॉइंट लाइन से वो भी देख लो, 0.8 सेंटीमीटर, 0.9, 0.8 ये रहा, फिर हल्का सा कर्व होके यहां ज्वाइन किया, और फिर ये जो नॉस्ट्रिल है वो कितना नीचे है इस पॉइंट से, 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 मार्क किया और 0.7 पे से कर्व किया हल्का हल्का, तो ये और ये अपनी नोज जो है वो ड्रॉ हो जाती है।